अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर भारत चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। इस मैच में भारत की ओर से मंजोत कालरा 101 ने शानदार शतक बनाया। मंजोत के अलावा इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का भी बोलबाला रहा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पारी को 216 रन पर ही समेट दिया। भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। मंजोत को उनके शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मंजोत के शतक के अलावा हार्विक देसाई 40, शुभम गिल 31 और कप्तान पृथ्वी शाह 29 ने बेहतरीन योगदान दिया। टीम इंडिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से हावी दिख रही थी। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में वर्ल्ड कप में उतरी टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजय रही, उसे कोई भी टीम हरा नहीं पाई। 217 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। कैप्टन पृथ्वी शाह ने मंजोत कालरा के साथ पहले ओपनिंग विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। पृथ्वी शाह यहाँ विल सदरलैंड की बॉल पर बोल्ड हुए तो पारी को संभालने वाले शुभम गिल आ गए। उन्होंने मंजोत कालरा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। 31 रन पर खेल रहे गिल को परम उप्पल ने बोल्ड कर दिया। यहाँ से भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हार्विक देसाई 47 ने मंजोत के साथ भारत की विजयी लय को आगे बढ़ाया और भारत को 8 विकेट से जीत दिलाकर मैच और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी कंगारू टीम 47.2 ओवर में 216 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोनाथन मेरलो ने 76 रन का योगदान दिया। उन्हें छोड़कर बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। भारत के लिए ईशान पोरेल, कमलेश नागरकोटी, शिवा सिंह और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, जबकि शिवम मावी ने 1 विकेट लिया। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही इस पिच पर भारत के लिए यह लक्ष्य मुश्किल नहीं होना चाहिए था और भारत ने किया भी ऐसा ही। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को उसके ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत देने की घोषणा तो की, लेकिन भारत ने उसे मजबूत स्थिति में पहुंचने नहीं दिया। टीम इंडिया नियमित अंतराल पर विकेट लेती रही और उसने कंगारू टीम पर दबाव बनाए रखा। मैच शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 32 रन जोड़ लिए थे। तब 14 के निजी स्कोर पर खेल रहे मैक्स ब्रायंट मजबूत होते दिख रहे थे। अपने 14 रन के स्कोर तक पहुंचते हुए 3 चौके जड़ चुके थे। यहां अपने नए ओवर की शुरुआत में ही ईशान पोरेल ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने ब्रायंट को कवर्स पर खड़े अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया। 32 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को यह पहला झटका लगा। इसके बाद दूसरे ओपनर जैक एडवर्ड 28 ने अपने कप्तान जेसन सांगा के साथ मिलकर 20 रन ही और जोड़े थे कि ईशान ने जैक को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। इस बार ईशान की बॉल पर कमलेश नागरकोटी ने कैच लपका। 10 ओवर के बाद पृथ्वी शाह ने अपने गेंदबाजों को बदला और एक छोर से शिवा सिंह और दूसरे छोर से कमलेश नागरकोटी को बॉल थमाई। कमलेश नागरकोटी ने अपने पहले ही ओवर में कैप्टन सांगा को आउट कर कंगारू टीम को दबाव में ला दिया। इस तरह 59 रन जोड़ते कंगारू टीम अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। इस बीच जोनाथन मेरली ने परम उप्पल के साथ टीम को संभाला। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाते दिख रहे थे। तभी शानदार साझेदारी को अनुकूल राय ने तोड़ा। 134 के स्कोर पर 100 रन अनुकूल ने उप्पल 34 को चकमा दिया और अपनी ही गेंद पर कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया। परम के रूप में ऑस्ट्रेलिया को यह चौथा झटका था। मेरलो ने एक बार फिर नाथन मैक्सवीनी के साथ 5वें विकेट के लिए साझेदारी की और 50 रन के पार पहुंचाया, लेकिन गेंद पर नजरें जमा चुके मैक्सवीनी 23 को शिवा सिंह ने अपना पहला शिकार बनाया। शिवा ने मैक्सवीनी को कॉट एंड बोल आउट किया। इसके बाद क्रीज पर आए विल सदरलैंड भी कुछ खास नहीं कर पाए और शिवा ने उन्हें विकेट कीपर हार्विक देसाई के हाथों आउट कराया। इस तरह शिवा ने अपने 10 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद भारत ने कंगारू टीम के अंतिम 4 विकेट लेने में ज़्यादा रन खर्च नहीं किए। छठे विकेट के बाद कंगारू टीम ऑल आउट होने तक मैच 25 रन ही जोड़ पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए अर्धशतक जमा चुके जोनाथन मेरलो ने अपनी टीम के लिए तेजी से कुछ और रन जोड़ने का प्रयास किया। इस बीच अनुकूल राय की एक बॉल वे रिवर्स शॉट खेल बैठे। यह गेंद हवा में जरूर गई, लेकिन बाउंड्री के पास खड़े शिवा सिंह ने उसे लपकने में कोई गलती नहीं की। मेरलो जब 7 विकेट के रूप में आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 212 था। यहाँ से अगले 3 विकेट हासिल करने में भारत ने ज़्यादा देर नहीं लगाई। अगली 11 गेंद में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी पारी को समेट दिया। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।